हमारे निर्माण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि समारोह का ये प्रोग्राम रखा गया है। इसको विजय संकल्प दिवस के तौर पर हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं और इस मौका पर हमारी पूरा जिला की टीम ने, हमारी विधानसभा की टीम ने आज मिलकर यह जो कार्यक्रम किया है, इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और बाबा साहब गौतम अम्बेडकर ने अपने जीवन में, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कार्य किया जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जात पात को ख़त्म करने का काम किया, गैर बराबरी को ख़त्म करने का काम किया। इस देश में मनुस्मृति के आधार पर पूरा देश चलता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को ख़त्म करके देश को एक नया संविधान दिया जिसके आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, पारसी सभी धर्मवास बराबरी के साथ अपना जीवन जीते हैं। इस देश में जो नारी जाति है उसको इस देश के अंदर बहुत बड़ी गैर बराबरी के आधार पर देखा जाता था। नारी जाति के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, समानता और बराबरी का मौका देकर के संविधान में बराबर का अधिकार देने का बाबा साहब ने काम किया। इसलिए आज